आज हम बनाएंगे सूजी यानी कि रवा के लड्डू। हमने 250 ग्राम सूजी ले ली है। हमने तवा गर्म कर लिया है। हमने 2 बड़ा चम्मच घी ले लिया है। यह मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि यह पूरा और बराबर अच्छे से भुने। इसे हम तेज आग यानी हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुकी है और हमारी सूजी पूरी तरह अच्छे से भुन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सूजी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमने 1/2 चम्मच घी ले लिया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें हम मीडियम आग पर भुनेंगे। 1 मिनट हो चुकी है और यह भुन चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स को सूजी यानी कि रवा में डाल लिया है। हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है। हमने चीनी में पानी डाल लिया है। चीनी में पानी उतना डालना है जिससे कि पूरी चीनी पानी में डूब जाए। इसे हम तेज आग पर पकाएंगे। हमारी चाशनी पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। यह टोटल 5 मिनट में पकी है। हमें इस तरह की एक तार की चाशनी बनानी है। अब हम इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ खोआ डाल देंगे। हम खोआ की जगह मलाई भी डाल सकते हैं। हमें मलाई या खोआ 2 चम्मच डालना है। अब हम इसमें चाशनी डाल लेंगे। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप सूजी में चाशनी थोड़ी थोड़ी कर कर ही डालना जिससे कि सूजी में ज़्यादा चाशनी ना डल जाए। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसे हम 2 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। इसे हमें पूरी तरह ठंडा नहीं करना, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। अगर आपने गलती से सूजी को ज़्यादा ठंडा कर लिया है तो आप इसमें घी गर्म करके डाल लें। 2 मिनट हो चुकी है। अब हम लड्डू को शेप दे देंगे। हमें इस तरह से लड्डू को शेप देनी है। हमारा सूजी यानी रवा का लड्डू तैयार है। हमने इन्हें खाने के लिए सर्व कर लिया है।